दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे गूगल एड्स में आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। बहुत सारे हमारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं लाइक कि सर शॉपिफाई स्टोर में कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपका कंप्लीट कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल स्विम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम आपके लिए गूगल एड्स रिलेटेड, फेसबुक एड्स रिलेटेड, शॉपिफाई स्टोर से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे गूगल स्टोर में कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड करना है शॉपिफाई स्टोर के लिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो मैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट पर आ जाता हूँ। एक सो गाइस, मैंने गूगल ऐड का एक फ्रेश अकाउंट ओपन कर लिया है और एक मैंने शॉपिफाई का अकाउंट यहीं पे साइड में अपना शॉपिफाई का स्टोर जो हमारा है उसका लाइक बैकएंड मैंने ओपन कर दिया। अब कैसे आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है शॉपिफाई के लिए, देखिए सबसे पहले आपको टूल्स एंड सेटिंग में चले जाना है और पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करें, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर एक प्रोसेस लाइक हर एक स्टेप में आपको लाइक ध्यान देना है और अप्लाई करना है शॉपिफाई स्टोर के लिए। सबसे पहले सेटअप में आना, टूल्स एंड सेटअप में एंड मेजरमेंट में कन्वर्जन पे हम चले जाते हैं। कन्वर्जन पे जाने के बाद सबसे पहले हम एक न्यू कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको सबसे पहले वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले जो भी आपका शॉपिफाई स्टोर है उसका URL आपको यहाँ पे दे देना है। तो अभी के लिए मैंने एक डेमो स्टोर क्रिएट किया है जिससे मैं आपको समझा सकूँ, तो मैंने एक डेमो स्टोर का URL यहाँ पे दे देना है। सो मैं ये जो हमारा शॉपिफाई स्टोर है इसका URL मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस वाले अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको स्कैन पे क्लिक करना है। देन आपका ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सेकंड में जाना है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली यूजिंग कोड। हम कोड के थ्रू यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने वाले हैं। तो ऐड अ कन्वर्जन एक्शंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देना है, जैसे कि अभी हम परचेज देखना चाहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग में, परचेज सेटअप कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे गोल एंड एक्शन में परचेज सेलेक्ट कर रखा है। कन्वर्जन का नेम हम दे देते हैं 06 डेमो, एक आज का ही डेट मैंने दे दिया और डेमो दे दिया 2023। एक मैंने कन्वर्जन का नेम दे दिया। कन्वर्जन वैल्यू में आप यहाँ पे यूज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, और जो भी आपको वैल्यू रखनी है आपके शॉपिफाई स्टोर के हिसाब से वो आप यहाँ पे रख लेना। अभी के लिए मैं जस्ट ऐसे ही रैंडम कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है। मैंने एक रैंडम वैल्यू डाल दी है, आप अपने स्टोर के हिसाब से जो भी आपको ईच कन्वर्जन्स की वैल्यू आप स्पेंड करना चाहते हैं, ईच कन्वर्जन्स पर कितना स्पेंड करना चाहते हैं गूगल एड्स पे, वो आप यहां पे सेटअप कर सकते हैं। एंड देन यहां पे आप एवरी रख सकते हैं, बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल, तो आपको एवरी काउंट में एवरी रखना है। एंड देन आपको डन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप डन पे क्लिक लाइक क्लिक करोगे यहां पे एक कन्वर्जन गोल आपका इस टाइप से बन जाएगा। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब जो स्टेप्स आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले, दो स्टेप आएंगे, एक आएगा गूगल टैग का और एक आएगा इवेंट स्निपेट का। इवेंट स्निपेट में कुछ मैनुअल हमें ऐड करना पड़ता है, तो वो लाइक मैनुअल क्या ऐड करना है वो सब मैंने इस नोटपैड पे सेव करके रखा, अपनी वेबसाइट पे सेव करके रखा है। तो अभी मैं कंप्लीट समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बनी रही है। तो सबसे पहले गूगल टैग ऐड करते हैं, गूगल टैग का सेटअप करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर में। तो सेटअप पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सेटअप पे क्लिक करोगे इंस्टॉल अ गूगल टैग पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे इंस्टॉल मैनुअली पे आपको क्लिक करना है और इस कोड को कॉपी कर लेना। जस्ट वन क्लिक में ये कोड कॉपी हो जाएगा, ये पूरा कोड आप कॉपी कर ले, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब चलते हैं शॉपिफाई स्टोर पे। आपको शॉपिफाई स्टोर में दो जगह जाना है, एक तो आपको सबसे पहले अपने ऑनलाइन लाइक स्टोर पर चले जाना है। तो हम ऑनलाइन स्टोर पर चलते हैं। ऑनलाइन स्टोर में थीम्स वाले सेक्शन में आप चले जाना, थीम्स का सेक्शन, और यहाँ पे जो भी थीम है उस पर आप क्लिक करना है यहाँ पे 3 डॉट पे। एंड देन एडिट कोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट कोड पे क्लिक करोगे आपके सामने एडिट योर थीम फाइल्स आ जाएंगी। आपको theme.liquid पे चले जाना है। एंड theme.liquid पे जाने के बाद यहाँ पे हेड सेक्शन आएगा, तो आप ये हेड सेक्शन ओपन है, आप क्लोज हेड सेक्शन देख लेना। तो थोड़ा सा नीचे करोगे तो क्लोज हेड सेक्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हेड सेक्शन आपका क्लोज हो रहा होगा। सो
ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा 239 पे मेरा हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है। इसके नीचे स्क्रिप्ट के नीचे मैंने एंटर प्रेस किया और ये कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लाइक पेस्ट कर दिया। एंड देन आपको ये लिक्विड थीम डॉट लिक्विड को सेव कर देना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये अप्लाई कर लेना है और इसको प्रॉपर सेव कर देना है। एंड देन आपको बैक जाना है, कोड एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे जैसे आपने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और आपको यहाँ पे चेकआउट्स पे क्लिक करना है, चेकआउट है ना, चेकआउट पे, क्योंकि हम चेकआउट पेज पे भी लाइक पेज पे भी कोड डालेंगे तो हमें पूरी परचेज हमें हमारे गूगल एड्स में शो हो जाएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे कर दो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर लाइक स्टेटस पेज पे यहाँ पे एड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट ये आ रहा है, आपको यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे ये कोड कॉपी कर देना है, ठीक है। ये कोड कॉपी करके एक बार एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको एक कोड और यहाँ पे ऐड करना है जो है इवेंट स्निपेट, ये कोड भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको फिर से गूगल एड्स अकाउंट पर जाना है और इसको डन करना है। डन करने के बाद ये कोड आपने सिंपली ऐड कर दिया। अब आपको सी इवेंट स्निपेट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे इवेंट स्निपेट को कॉपी करना है। अब देखो इवेंट स्निपेट को आप कॉपी करके वापस आप यहाँ पे डालने वाले हैं ये जो आपका सेक्शन है, तो यहाँ पे मैंने इवेंट स्निपेट को कॉपी करके स्क्रिप्ट के नीचे एक बार मैंने डाल देना है। अब यहाँ पे कुछ मैन्युअली ऐड करना होता है जो शॉपिफाई स्टोर के ब्लॉग सेक्शन पे भी मिल जाएगा, और मैं ये ब्लॉग का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ये ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। यहाँ से वैल्यू ये कॉपी कर लेना, वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कॉपी कर लेना। ये वैल्यू में कुछ यहाँ पे हमने डायनेमिकली लिखा यहाँ पे कुछ राइट किया हुआ है, आप देख सकते हो, इसको कॉपी कर लेना और अपने शॉपिफाई स्टोर पे आना। यहाँ पे वैल्यू की जगह ये जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू की जगह आप ये वाला ऐड कर देना। एंड इसी टाइप से यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है, इसको भी कॉपी करना है, ठीक है। एंड देन ट्रांजेक्शन आईडी ये देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी रहेगा, तो ट्रांजेक्शन आईडी में भी आपको जो कोड मैंने वहाँ पे ऐड किया है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन आईडी में भी ये कोड यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं एंड देन ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से ये रिमूव कर दिया, इसको हमने ट्रांजेक्शन आईडी में ऐड कर दिया, ठीक है। एक वैल्यू हमने मैनुअली और एक डायनेमिकली, ठीक है, हमने वैल्यू और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे ऐड कर दिए। अब आप इसको सेव कर दो यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर पे ये दोनों सेव कर दिए। अब हम इसको लाइक क्लोज कर देते हैं एंड देन हम चलते हैं अब गूगल एड्स के अकाउंट में। तो गूगल एड्स के अकाउंट में आने के बाद आप इसको अब क्लोज कर दो, आपका काम हो गया, तो आप इसको क्लोज कर दो एंड देन आप इसको यहाँ पे डन कर दो। अब डन जैसे ही किया आप फिर ऐड वगैरह रन स्टार्ट करेंगे, तो अभी तो अनवेरीफाइड है, लेकिन जैसे ही आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा और जितना भी कन्वर्जन्स है आपके डैशबोर्ड पे भी शो होने लगेगा, यहाँ पे भी शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन्स लाइक कन्वर्जन्स और ट्रैकिंग है सेटअप करना है अपने शॉपिफाई स्टोर में। और ये कोड के लिए आप हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ये वाला लिंक, आप वहाँ से आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और आप अपना प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे शॉपिफाई स्टोर को गूगल एनालिटिक्स से और बहुत जगह से कनेक्ट कर सकते, तो आप कमेंट करें शॉपिफाई के जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉपर लाइक वे में वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस दूंगा जिससे आप प्रॉपर वे में शॉपिफाई स्टोर अपना सेटअप कर सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।